आए दिन आरक्षण की डिमांड्स को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो ये कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनेगा जिसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। यानी इस आयोग के तहत ओबीसी में कोई नई जाति जोड़ने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। इसके अलावा ये आयोग सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए काम करेगा। बता दें कि पिछले काफी समय से अलग अलग जातियों के लोग आरक्षण की मांग को लेकर काफी हंगामा करते आ रहे हैं, जो सरकार के लिए मुसीबत बन जाता है। हाल ही में जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने भी काफी उग्र आंदोलन किया, जिसे राज्य सरकारों को संभालना मुश्किल पड़ गया था। माना जा रहा है कि इस जाट आंदोलन को देखते हुए ही सरकार ने ये अहम फैसला लिया है, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन किया जाएगा। अब सरकार एक कमेटी का गठन करेगी जो नए आयोग की दशा और दिशा को लेकर 6 महीने के अंदर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में जाटों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में जिक्र होगा। जाटों को पुख्ता तौर पर आरक्षण दिया जाएगा। बता दें, वोट बैंक के चलते अक्सर सरकार पर आरक्षण देने का दबाव बन जाता था, क्योंकि अब तक ये फैसला सरकार के स्तर पर ही होता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सरकार अब इस संविधान में संशोधन भी करेगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।